हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरआरबी टाइमलाइन। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल आरआरबी टाइमलाइन पे। दोस्तों, जिन सभी कैंडिडेट ने आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के फाइनल मेरिट लिस्ट, डीवी का मेरिट लिस्ट आने के बाद जिन सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है, उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ा एक नोटिस जारी किया है आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट में। सभी लगभग सभी आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट में ये नोटिस जारी किया गया है। जिन सभी आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट में डीवी का लिस्ट जारी किया गया है, उन सभी आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट में ये नोटिस जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे नोटिस के बारे में, क्या एग्जैक्टली लिखा हुआ है इस नोटिस में, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ के सुनाऊंगा इस नोटिस को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं अभी आरआरबी चेन्नई के ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ। आप किसी भी आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट में चला जाइए, जिस आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट में आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का मेरिट लिस्ट डीवी के लिए जारी कर दिया है, उस आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट में आपको ये नोटिस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिस दिया गया, नोटिस शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर डीवी। जैसे आप इसमें क्लिक कीजिएगा, एक नोटिस ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे नोटिस डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे हो गया है, आप देख सकते हैं नोटिस यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। दोस्तों, ये नोटिस जो दिया गया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले पूरा नोटिस पढ़ के सुना देता हूँ एग्जैक्टली क्या लिखा है इस नोटिस में। दोस्तों, इस नोटिस में यहाँ पर दिया गया है कि CEN 01/2018 असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों, यहाँ पे बता रहा है कि द लिस्ट ऑफ रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर डीवी हैव बीन पब्लिश्ड एज ए PDF डॉक्यूमेंट्स ऑन द आरआरबी वेबसाइट। द रोल नंबर आर अरेंज हॉरिजेंटली इन असेंडिंग ऑर्डर एंड नॉट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। द पब्लिश लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर डीवी इंक्लूड्स 50% एडिशनल कैंडिडेट subject to availability of eligible candidate for the post over and above the revised vacancy published on the website of RRB। दोस्तों, यहाँ पे ये बताया जा रहा है, जो भी आपका शॉर्ट लिस्टेड किया गया है डीवी के लिए, जिन सभी कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, जो PDF आपका RRB के ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे जो रोल नंबर दिया गया है, रोल नंबर आपका हॉरिजॉन्टली अरेंज किया गया है और ये भी असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, ये रोल नंबर आपका मेरिट के बेसिस में आपका अरेंज किया गया है। अगर आपको लगता है कि हाँ, जिसका नंबर सबसे पहले दिया गया है उसका मार्क्स ज़्यादा है, इसीलिए उसका नंबर सबसे पहले दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे दोस्तों, जस्ट अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है और हॉरिजॉन्टली अरेंज किया गया है। और दोस्तों, मैं यहाँ पे और एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे 50% कैंडिडेट को एडिशनली यहाँ पे इंक्लूड करके रखा है। जितना भी वैकेंसी है उससे 50% यहाँ पे कैंडिडेट को ज़्यादा बुलाया गया है डीवी के लिए। अब यहाँ पे क्यों बुलाया गया है, नीचे पैरा में यहाँ पे बताया गया है, additional candidate are called for DV to make good the shortfall arising out of the various attrition during DV। जी हाँ दोस्तों, DV के टाइम पे अगर कोई भी कैंडिडेट अपना DV ठीक से नहीं कर पाता है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब सबमिट नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे कैंडिडेट का शॉर्टफॉल हो जाता है। इसीलिए 50% कैंडिडेट को एडिशनली DV के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। उसके बाद दोस्तों बता रहे हैं, मेडिकल एंड आफ्टर फर्निशिंग द पैनल ऑफ रेलवे। जी हाँ दोस्तों, DV और मेडिकल के बाद जो भी पैनल बनाया जाता है वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट पड़ जाता है कैंडिडेट का, क्योंकि मेडिकल में बहुत सारे कैंडिडेट ने कैंसिल हो जाता है, कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, DV में बहुत सारे कैंडिडेट का कैंसिल हो जाता है कैंडिडेचर। इसीलिए दोस्तों, 50% कैंडिडेट को यहाँ पे एडिशनली बुलाया गया है। हेंस द कट ऑफ ऑफ DV इज़ नॉट पब्लिश एज द कैटेगरी वाइज कट ऑफ विल अंडरगो कम्प्लीट चेंज आफ्टर DV। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इसीलिए कट ऑफ रिलीज नहीं किया गया है कि जो DV का कट ऑफ है वो आपका DV होने के बाद ही बहुत ज़्यादा चेंजेस को दिखने मिलेगा कैटेगरी वाइज, इसीलिए कट ऑफ अभी तक नहीं अपलोड किया गया है। DV कंप्लीट होने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट, उसके साथ साथ कट ऑफ भी अपलोड किया जाएगा RRB के ऑफिशियल वेबसाइट में। अकॉर्डिंग द कैटेगरी नंबर वाइज एंड रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज कट ऑफ विल बी पब्लिश ओनली आफ्टर द फाइनल पैनल इज पब्लिश ऑन द RRB वेबसाइट। जैसे कि मैं आपको बताया, फाइनल मेरिट लिस्ट जब आएगा उसी के साथ साथ आपका कैटेगरी वाइज सभी जोन में RRB में आपका कट ऑफ भी जारी कर दिया जाएगा। कैंडिडेट कैन ऑल्सो व्यू देयर शॉर्ट लिस्टेड स्टेटस फॉर DV थ्रू द लिंक अवेलेबल इन द वेबसाइट RRB। आप अपना DV का जो शॉर्ट लिस्टेड स्टेटस है वो भी चेक कर सकते हो लिंक के थ्रू, जो लिंक आपका RRB का वेबसाइट में दिया गया है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे दो नंबर पॉइंट में दिया गया है, द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर DV हैज़ बीन डन कंसिडरिंग द फॉलोइंग। कौन सा रूल को फॉलो करके यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया गया है, यहाँ पे सबसे पहला नंबर हम बता रहा है, प्रायोरिटी फॉर वेरियस पोस्ट फाइनेंसिंग बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, आपने जो पोस्ट सिलेक्ट किया था, जो प्रायोरिटी दिए थे जिन पोस्ट को, उसी के हिसाब से यहाँ पे आपका जो मेरिट लिस्ट है वो बनाया गया है। आप जब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए थे उस टाइम जो भी आपने पोस्ट सिलेक्ट किए थे उसी के हिसाब से आपका ये मेरिट लिस्ट बनाया गया है। सिक्योरिंग द क्वालिफाइंग मार्क्स इन 35% इन पार्ट बी फॉर AELP पोस्ट टोटल 70%
एंड सेकेंड स्टेज सी बी टी पार्ट ए स्कोर एंड 30% फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट ई स्कोर एंड कंसिडर एंड फॉर टेक्नीशियन पोस्ट ओनली सेकेंड स्टेज सी बी टी पार्ट ए स्कोर इज कंसिडर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ए एल पी के लिए आपका टोटल 70% ऑफ सेकेंड स्टेज सी बी टी पार्ट ए स्कोर और 30% एप्टीट्यूड टेस्ट का जो टी स्कोर है उसको दोनों को ऐड करके आपका मेरिट लिस्ट जारी किया गया है ए एल पी के लिए। और अगर हम टेक्नीशियन की बात करें तो ओनली सेकेंड स्टेज यानी कि सी बी टी टू का पार्ट ए का स्कोर यहाँ पे कंसिडर किया गया है अगर आपने पार्ट बी में क्वालिफाइंग किया है तो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीन नंबर पॉइंट पे बता रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी हेल्ड एट द प्लेस इंडिकेटेड इन द ई कॉल लेटर फॉर डी वी। आफ्टर शेड्यूलिंग द कैंडिडेट फॉर डी वी दे विल बी सेंड एन ई मेल एंड एस एम एस टू डाउनलोड देयर ई कॉल विथ द डिटेल्स ऑफ डेट एंड टाइम एलोंग विद द इंस्ट्रक्शन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। जी हाँ दोस्तों, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपका कॉल लेटर है वो आपको मैसेज के द्वारा और ईमेल के द्वारा बताया जाएगा कि आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर लीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आपको मैसेज के द्वारा और ईमेल के द्वारा बताया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात बताया गया है, कैंडिडेट मे नोट दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डी वी दे विल सेंड टू द सेंड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एट द नॉमिनेटेड रेलवे हॉस्पिटल लोकेटेड इन द जुडिशन ऑफ आर आर बी। दिस विल ऑल्सो इन्वॉल्व ट्रैवल फॉर फ्रॉम आर आर बी टू सिटी ऑफ रेलवे हॉस्पिटल अकॉर्डिंगली कैंडिडेट हैव टू कम प्रिपेयर फॉर डी वी एंड मेडिकल एग्जाम। जी दोस्तों, यहाँ पे डी वी और मेडिकल के लिए आपको प्रिपेयर होने के लिए जाने बोला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे डी वी और मेडिकल जो है आपका जिस दिन डी वी होगा उसका ठीक नेक्स्ट दिन आपका मेडिकल एग्जाम होगा, तो आपको दोनों के लिए प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया था, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर डी वी शुड प्रोड्यूस ऑल द ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एलोंग विद द टू सेट जेरोक्स कॉपी इन द ए फोर साइज डिटेल्स इन द सी एन एंड कॉल लेटर। जी हाँ दोस्तों, आपका जो कैंडिडेट डीवी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुआ है उन सभी कैंडिडेट को जितना भी आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप बताया है सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसके साथ साथ उसके दो सेट जेरोक्स कॉपी भी आपको लेके जाना पड़ेगा, उसके साथ साथ ई कॉल लेटर CEN ई कॉल लेटर आपको लेके जाना पड़ेगा। कैंडिडेचर ऑफ ऑल द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज प्योरली प्रोविजनल एंड इज लायबल टू कैंसिल। जी दोस्तों, जो आपका शॉर्ट लिस्ट किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को ये प्योरली आपका प्रोविजनल है और ये कैंसिल भी कर सकते हैं आरआरबी एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट और देयर आफ्टर इन केस ऑफ एनी इनकन्सिस्टेंसी और इन और डेफिशिएंसी इन द डेटा फर्निश्ड बाय देम इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन और एनी मैल प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ कैंडिडेट कमिंग टू द नोटिस ऑफ आरआरबी एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इट मे बी नोटेड दैट मेरिली कॉलिंग ए कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डज नॉट एंटाइटल हिम और हर इन एनी वे टू अपॉइंटमेंट इन द रेलवे। जी हाँ दोस्तों, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम में जो जो कुछ भी आपने बताया था उससे अगर जब डीवी होगा अगर उससे कुछ गड़बड़ी आपको दिखाई देता है आरआरबी को तो आपका जो कैंडिडेचर है उसी टाइम पे कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे दोस्तों ये भी बताया गया है कि आप देख सकते हैं द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एनी मैल प्रैक्टिस, आपने कोई अगर उल्टा पुल्टा लिख दिया है लेकिन दोस्तों आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के टाइम वो डॉक्यूमेंट्स अगर आप सबमिट नहीं कर पाएंगे तो आपका कैंडिडेट वहीं पे कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद सात नंबर पॉइंट में दोस्तों यहाँ पे बता रहा है, व्हाइल एवरी केयर्स हैज बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आरआरबी रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई एंड इन एडवर्टेंट एरर इन टाइपोलॉजिकल प्रिंटिंग मिस्टेक आरआरबी रिग्रेट इनएबिलिटी टू एंटरटेन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम अनसक्सेसफुल कैंडिडेट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आरआरबी ने रिग्रेट किया है कि अगर कोई गलती हो जाता है कि टाइपोलॉजिकल एरर में या तो फिर प्रिंटिंग इस्ट में, उसके लिए आरआरबी ने यहाँ पे रिग्रेट के लिए बताया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ पे आठ नंबर पे बताया कि बीवेयर ऑफ द टॉट्स हु मे मिसगाइड द कैंडिडेट विथ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ गेटिंग देम सिलेक्टेड फॉर द जॉब ऑन इलीगल कंसिडरेशन द रिक्वायरमेंट प्रोसेस इन द आरआरबी एग्जाम इज फुल्ली कंप्यूटराइज एंड द सिलेक्शन बेस इज प्योरली ऑन द मेरिट ऑफ कैंडिडेट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको सावधान रहने के लिए कहा गया है फ्रॉड से। उसके बाद नौ नंबर पर दिया गया दोस्तों, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट फॉर अपडेट। जी दोस्तों, आपको आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलरली विजिट करने के लिए बताया गया है कोई भी अपडेट के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी अपडेट आया था आरआरबी की तरफ से ऑफिशियली अपडेट तो मैं आपको बता दिया हूँ, यहाँ पे जो भी कुछ बताया है सभी इंपॉर्टेंट है। खास करके आप जब डीवी के लिए जाएंगे अपना डीवी का सभी डॉक्यूमेंट्स उसके साथ साथ दो कॉपी जेरोक्स कॉपी और ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा और डीवी मेडिकल के लिए एटलीस्ट दो दिन का प्रिपरेशन लेके जाइएगा आप, क्योंकि डीवी जिस दिन होगा उसका नेक्स्ट दिन आपका मेडिकल होगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप डीवी के लिए एक दिन होगा मेडिकल एक दिन होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको दोनों का प्रिपरेशन एक ही साथ लेके जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी अपडेट आया था मैं आपको बता दिया, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। उसके साथ साथ अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही आरआरबी रिलेटेड पल पल के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।